गाइस आज ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरे से ही हुई है। It is part of life, यार। My fault. तेरा किस बात का fault है? I don't know. ओला की ना सूरत बन गई थी बहुत ना, जैसे रोने वाली, और राहुल ने ओला को डांटा भी, क्योंकि हमें तो था कि तुझे देखना चाहिए था ना, तू कैसे बैठती बच्चे पे। ये भी दबा पड़ा था, ये मानती नहीं है ना, ये इसको जरा भी तो चेता नहीं रहता ओला को कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद भी ले ले यार। तो मुझे मेरा बहुत प्यारा बच्चा था, वो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ओला क्यों हटाया है इसको काफी को? उसका पेट वो पी रहा था, वो देखो वापस जा रहा है वो तो पीने। ये ओला ही है जिसने हटाया है उसको। गाइस आज ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरे से ही हुई है। अरे यहाँ से ऊपर रखो ना। ऊपर नहीं रखा, मेरे से बोला नहीं था। बोल तो गाइस अनफॉर्चुनेटली ना एक बच्चा और नहीं रहा है, और ना अब से हम काउंटिंग नहीं करेंगे बच्चे कितने हैं कितने नहीं। ऑन है। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा और नहीं रहा है, एंड पता नहीं क्या हुआ, और तो आगे से हम ना कोई भी बच्चा काउंट नहीं करेंगे कितने बच्चे रह गए और कितने जिंदा हैं। और आप प्लीज रिक्वेस्ट मत भेजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिन जिन की रिक्वेस्ट आएगी उनको तो मैं डेफिनेटली नहीं दूंगा। हाँ मैं गुस्से में हूँ तो हूँ, ठीक है। जब हम रिक्वेस्ट ऑन करेंगे इस व्लॉग के ऊपर तब हम रिक्वेस्ट लेंगे, फैमिलीज देखेंगे और तब देंगे। आप ये गुस्सा मेरा आप पे निकलना बहुत जायज है, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा अंधविश्वासी भी हूँ, तो लगा लो नजर और ठीक है। ले आया बच्चा, चल पीछे हो चमेली, तूने नहीं आना चमेली, पीछे हो जा। चमेली कह रही मुझे भी जाना है। नहीं तू नहीं जाएगी, पीछे हो जा, हमें जाने दे चमेली। चमेली मत कर, मैं डॉक्टर के आई हूँ, फिर आ गई है। मेरी गलती है, मैं रात को तो एक बार और चक्कर लगा लेती तो शायद बच जाता। इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है, होता रहता है, पकड़ इसे। ये छोटा बब्जी था, तेरी क्या गलती है? एक रात को और लगा ली, एक रात को और हुआ थी, कैसे मैं थोड़ी जल्दी उठा। उसमें तेरी कोई गलती नहीं, नहीं बनती का। चल चले, चल चल चल, कुछ नहीं होता मन्नू, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। It is part of life, यार। My fault. तेरा किस बात का fault है? I don't know. बच्चों को नजर लगी हुई है। हाँ तो दुनिया पीछे पड़ी हुई है तेरे। चल, चले। वो बेचारी तब से बेहोश पड़ी है। तो guys यहाँ पे ना राहुल बच्चों को feeding करा रहा है, और जब से वो हादसा हुआ है ना कि एक बच्चा दब गया, तब से तो हमारे ना होश ही उड़ गए हैं। तो इसीलिए ना हम टर्न बाय टर्न ना यहाँ पे बच्चों को फीड करा रहे हैं, और हमें लग रहा है ओली का ना थोड़ा दूध नहीं उतर पा रहा ठीक से, तो अभी हम उसके लिए भी कुछ करेंगे। ये बच्चे को इधर कर दो ना, वो इधर दूध के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इधर से पी ले, यहाँ पे, यहाँ पे बोला पिला बेटा ढंग से, अपने बच्चों को ना तुझे ही पिलाना पड़ेगा, देखो थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। बच्चे तू बच्चों को दबा के ना उनके ऊपर नहीं बैठ सकती है। मुझे पता है उसको नहीं पता, लेकिन थोड़ा एज अ मदर उसको भी केयरफुल होना पड़ेगा। वो कह, दुनिया ये कहती है, जो अच्छी ब्रीडर से मेरी बात हुई है ना, क्या कह रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं, क्या बोलते हैं कि 2 लीटर होने के बाद मम्मी को समझ आ जाती है कि बच्चों को नहीं दबा। तो अभी वो है ना, ओला नाइव है ना बेचारी, कहता कि ये हादसे बहुत कॉमन है, और आप प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं हो।
पर राहुल अंदर से हम हैं तो इंसान ना, हमारा दिल तो दुखता है ना हम ऐसा कुछ देखते हैं तो। ये क्या पॉटी पड़ी है बच्चे पे। और अब खबरदार तुमने खुद भी बोला ना कि मुंह बड़े बड़े हैं, हर जगह जाके तुम सबको बोल रहे हो कि बच्चों के मुंह बहुत बड़े बड़े हैं, इधर उधर पूरी फैमिली में भी सबको तुम बोल रहे हो। मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ है, देख मेरे को बहुत, मुझे बहुत दुख हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ है। तू तो रोई है, तो मुझे मेरा बहुत प्यारा बच्चा था वो, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मेरी अभी ना दो दो ब्रीडर से बात हुई है, उनके जो जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, उनके लिए कॉमन है ये सब चीजें। वो कह रहे हैं इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और वो कह रहे हैं कि मम्मी को खुद ही समझ आएगी, कह रहे कि अगर हमने जो लड़के रखे भी हुए हैं ना ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, तो कहते हैं कि वो कभी कभी ऐसा होता है रखे हुए भी तो भी दब जाते हैं, कहते हैं वो माँ के ऊपर है, माँ को समझना पड़ेगा, और वो सेकंड जब बच्चे हो जाएंगे उसके बाद जब भी बच्चे होंगे ना, तो इसने ना इस बच्चे को हटा दिया, ऐसा क्यों किया? तो हट जाए, ये क्यों हटाया वाला आपने इसको, ओला क्यों हटाया इसको, काकी को उसका पेट, वो पी रहा था, वो देखो वापस जा रहा है वो तो पीने, ये ओला ही है जिसने हटाया उसको, क्यों हटाया पता है? ओला को भी दुख हुआ था अभी सुबह जब वो हादसा हुआ ना, गाइस हम ना वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, मैं तो बिल्कुल उसी टाइम राहुल को फोन करके बुला लिया, मैं कहा भाई तू आ जा, चल तू पी ले, ओला हट, पीने दे बेटा बाबुओं को ना, भूख लगी है उनको, पीछे हो जा मेरा बच्चा, पीछे हो जा। तो ओला की ना सूरत बन गई थी बहुत ना, जैसे रोने वाली, और राहुल ने ओला को डांटा भी, क्योंकि हमें तो था कि तुझे देखना चाहिए था ना, तू कैसे बैठ गई बच्चे पे एंड ऑल दैट, पर ओला की ना आंखों में बस आंसू ही नहीं आए, क्योंकि ये ऐसे बने नहीं है कि इनको आंसू आए, पर ओला का पूरा चेहरा ना वो हो गया था परेशान सा। हाँ ये देखो ये बच्चे राहुल ने फीड करा के यहाँ पे डाल दिया, अब हम ना बच्चों को माँ के साथ नहीं रखेंगे, रखना है कैसे करेंगे फिर? दो दो घंटे की फीडिंग के बाद अलार्म लगा गया, कैमरा लगा ही हुआ है। हाँ, नीचे आ रहे हो बाबू? मेरा बच्चा आ जाओ यार, जरा हमें समझ दे, बच्चे हमारा एक बच्चा वैसे भी लॉस हो गया अभी, ये बच्चा नहीं बच पाया अभी। हाँ, इससे कह रहा हम ऊपर हैं तो बच्चे नीचे ना मेरे के साथ, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, चाहे पापा सो रहे हैं जो मर्जी कर रहे हैं, उनको छोड़ो यहाँ पे और आ जाओ, जब वो ठीक होंगे आ जाएंगे। तो गाइस ये लोग ना बच्चे एक हफ्ते के हो गए हैं, और एक बच्चा क्योंकि दबने से नहीं बचा, आपको बता दिया था, मैं बहुत इमोशनल थी उस ब्लॉग में, मुझे नहीं पता मैंने आपको कितना बताया कितना दिखाया, बट मैं अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ज्यादा आई थिंक 3-4 घंटे के लगातार वो ओला के नीचे दबा रहा और नहीं सर्वाइव किया, अच्छा बच्चा था बहुत, याद आ रही है उसकी। लेकिन अब हमने ना जो स्ट्रेटजी अपनाई है ना, हमने वो ये अपनाई है कि अब हम लोग ना इनको पूरी तरह से ओला के साथ ही रखेंगे, हम इनको 3-4 घंटे अलग रखेंगे और उसके बाद इनको इकट्ठा कर देंगे। अब जैसे हम 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद हम इनको वापस जा देंगे, चाहे अब हमें रात को राहुल अलार्म्स लगाने पड़े। तो वैसे तो पता है कल आई थी पहली रात थी जब हम सिर्फ 3-4 घंटे के लिए थोड़ा नेग्लिजेंट हो गए, कितने आराम से दूध पी रहे हैं, सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अंदर स्ट्रगल कर रहा है जाने के लिए, थोड़ी टेढ़ी हो जाए ना ये, टेढ़ी कर इसको थोड़ा सा आगे वाला पैर को आगे। हाँ ये देखो, ये आराम से देखो, अब दूध लगे हुए, बस ये नीचे जो घुसते है ना मुझे उससे डर लगता है। सब कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ चली गई, ये ले जा, ये ले निप्पल ले ले, ओला कहाँ हो रही है ये देखो, ये इसकी वजह से घुसते हैं, मैंने कहा बंदे चले गए ना वो, अब वो ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी। ऐसे नहीं मन्नी, इसको गोदी में लेने दे। तो गाइस ये देखिए ओला का छोटा सा बेबी मेरा दूध नहीं पीना, ये मेरे ऊपर चढ़ गया है, मैं भी माँ हूँ ना तो मेरे ऊपर चढ़ रहा है कि दूध मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा, वो मम्मा को ओला देख तेरा बेबी कैसे कर रहा है मेरे साथ, देख तेरा बेबी कैसे कर रहा है, ओ मेरी छोटी माँ, ओए होए होए देख तेरा बच्चा क्या कह रहा है, ये छोटा बाबू है ना, ये छोटा बाबू है ना, ये मम्मा दूध पिला दो, देख ना नीचे भाग रहा है, बहुत भूख लगी है, चलो बुबू पियो, तो गाइस ये देखो मेरे बच्चे को, चलो बुबू पियो, चलो आओ मेरा बच्चा, ढूंढो बुबू, ढूंढो पियो,
वन मोर छोटा बाबा कमिंग। बाबा या बेबी सीधा पकड़ उसको से। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में राहुल जी ने, और यहाँ पे देखो चारों लाइन से अमेली क्यों रो रहा है? तो शिब्बू ने ना कलेश काटा हुआ, क्या हुआ अब इसको? बारिश आ रही है, आ गई है बूंद, अब बारिश शुरू हो रही है, बूंद तो गिरी है मेरे पे, तो गिरी है, हाँ आ रही है। तो राहुल ना कोई और स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, भूख लगी है राहुल, दूर मत करो, पीने दो उनको यार। तू कहाँ जा रही है? जा रही है पक्का? जा रहा है। अपना अलग ही मेडिसिन भी वो मेरे ख्याल से ना, हमें ना इसको वाइटमिन और दूध वाली ना, आज हमने सुबह इसको दूध को डाला है थोड़ा ना, किसी ने हमें गाइस समझाया कि ओला को ना चीनी वाला दूध दो, ताकि ना इसका दूध मैक्सिमम उतरे, बाकी डाइट तो इसकी अच्छी है। ये भी दबा पड़ा था, ये मानती नहीं है ना, ये इसको जरा भी तो चेता नहीं रहता ओला को, कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद भी ले ले यार, बच्चे तो देखो घुसेंगे ना, उनको दूध चाहिए। देखना कैसे लटक रहे बाकी ऊपर, इसको देखो, देखो इसको देखो, तो ठंड ढूंढेंगे या तो तुम इनको चार और तीन के ग्रुप में पिलाओ। मैं भी सोच रहा हूँ चार और तीन के ग्रुप में पिलाता हूँ। अभी जिस जिसको मिला है ना, हाँ इसको अभी थोड़ी देर रुक जाओ राहुल, उसका दूध इतना फास्ट, इन दोनों को नहीं मिला तो इन दोनों को साइड करो यार, वहीं कर दो ना, और चाहे रोएंगे यहाँ पे। एक का दो तीन, इसको मिला पीरा पीरा कहाँ से लगा हुआ है वो, नहीं तो छोड़ चुका होता। ठीक है अब ये चार पी रहे, उसके बाद पांच पी रहे, दो बाद में, दो को बाद में पिलाना बेटा, तुझे भी रखना पड़ेगा, बच्चे तेरे हैं, हैं? ये क्यूट सी शक्ल हर वक्त बना के नहीं काम हो पाएगा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, समझ आई? ओ अल्टन, अल्टन अल्टन को खुद का मुंह इतना बड़ा है। मुझे लग रहा है हमें मल्टीविटामिन और वो टैबलेट लेके आए जी। तो गाइस रात के बज गए हैं 11 और मैं आई हूँ फिर से चेक करने, बच्चे हमने ना डिवाइड एंड रूल करना स्टार्ट कर दिया, ओला अंगड़ाई ले रही है, बच्चे हटा दिए, ऐसे मरते हैं बच्चे गाइस, ऐसे ये ऐसे करते हैं, बच्चे घुस जाते हैं अंदर, दब जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो हमने चार अलग से पहले पिलाए, फिर अब तीन रह गए, अब इन चारों को अंदर करके इन तीन को पिलाएंगे, फिर एक घंटे बाद आएंगे इनको हटाएंगे, फिर सबको इकट्ठे कर देंगे, फिर दो घंटे का अलार्म लगा के फिर से, ओह गॉड। चलो अभी फिलहाल इन बच्चों को हटाते हैं, इसको तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है अभी, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ये भी मोटू राम हो रहा है, ये थोड़ी कमजोर बच्चा है ये वाला, ये पी रहा है, कोई नहीं बेटा बहुत पी लिया, बाकी भाई बहनों को भी दो। अब इस ओला मामा पे विश्वास रखो, ओला देखने आए मैं क्या कर रही हूँ, भर गया पेट, छोड़ो बाकी भाई बहन को पीने दो, बाबू लोग चलो तुम पियो, इनके पेट खाली हो रहे हैं, इनको निकाले अंदर से पियेंगे, अब ये बच्चे पियेंगे, ओला पीने दियो ठीक है, ये लो पियो, ये अंदर जाएंगे अब, चलो 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 मेरे बाबू अंदर, ठीक है चलो, बश बश बश, मेरे गुड्डे ने पी लिया बहुत, ये गुड्डा बनता जाएगा, ये गुड्डा भी अंदर जाएगा, चलो चलो मेरा गुड्डा बाबू, अब जल्दी से चलना स्टार्ट करो मेरा बाबू लोग, चलो अंदर चलो, ये तीन हो गए, हाँ वाला पापा आएंगे आधे घंटे में, ठीक है वो इनको हटाएंगे, तब तक इन्हें अच्छे से पीने दे, कोई गड़बड़ नहीं करेगी मेरी गुड़िया है, ठीक किसी के नहीं, किसी को अपने नीचे नहीं दबाना, नहीं नहीं कर ले अच्छे से, चलो बाबू लोग दूध पीने दे, अला पीने दे मेरा बेटा पीने दे, यही देखो अब जैसे ये ऐसे हो गई है ना, अब ये ना जब अपना फुल वेट ऐसे छोड़ देगी ना तो बच्चे नीचे दब जाते हैं, ये काम हो रहा है हमारा ना खराब, इधर आ जा तू, कहाँ जा रहे ढूंढने, मेरे को लग रहा है पीछे के थनों पे ना दूध इतना आता नहीं है, इसलिए ना बच्चे आगे भागते हैं, पीने दे उसको, और आप लेटो मम्मा पिला रही हूँ, और ना आप लेटो मम्मा पिला रही है ना, मेरा बच्चा पी लो, मेरा बच्चा तो जा, मेरा गुड्डा अभी अभी ना बाकी पुराने बच्चे जो ये जा रहे हैं ना ये पी के हटे हैं, तो इन्होंने काफ़ी दूध ख़त्म कर दिया होगा, अभी इनका दूध बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं इनको हम ना एक घंटे के लिए कम से कम छोड़ देंगे यहाँ पे, और फिर थोड़ी देर में राहुल आके इनको अलग करेगा, तीन चार घंटे रात को इकट्ठे इकट्ठे होके सोएंगे, ठीक है, और फिर हम अलार्म लगा के इनको फिर से पिलाने आएंगे, ठीक है ना।